ये जो है ना, ये वाली सिलिकॉन की है, एनजी ट्यूब है, और ये जो है वो जो ट्रांसपेरेंट है ये सिंपल एनजी ट्यूब है प्लास्टिक। और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे अपना कि हमने खुराक की नाली पास करनी है, और क्योंकि यानी कि पेशेंट या तो कामा में है यानी कि अनकॉन्शियस है, तो या फिर यह कि वो खुद से खा नहीं सकता, ओरल हम उसे दे नहीं सकते, तो इसलिए हम पास करेंगे। पेशेंट अनकॉन्शियस है तो अटेंडेंट से ले लेंगे, अटेंडेंट से कंसेंट ले लेंगे। और फिर सबसे पहले मेजर करेंगे इसका साइज़, नोज से लेकर यहाँ ईयर लोब लोब्यूल तक, और फिर यहाँ से जीफी स्टर्नम तक ये पूरा मेजर करेंगे कितना साइज़ है, कितनी पास करनी है। फिर यहाँ निशान लगा लेंगे या टेप लगा लेंगे और फिर हम पास करेंगे, और थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ बेंड कर लेंगे। यहाँ पे भी जेल डालेंगे और इसके साथ भी जेल लगा लेंगे, थोड़ा आगे से नीचे की तरफ इसको लेके जाना है। साथ हम माउथ भी ओपन करके यूँ लेके जाना, और माउथ भी ओपन करके देख सकते हैं कि वहाँ फोल्ड तो नहीं हो रही, और अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रही हो तो थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे। और एनजी ट्यूब के लिए हम इसको थोड़ा सा फ्लेक्स पोजीशन में ऐसे होता है, और जो अगर हम ईटीटी पास करते हैं थोड़ा एक्सटेंड होता है ताकि यह कि एयर वे सामने आए। अभी हम जो है वो क्योंकि इस वे किस में जा रहे हैं और स्टमक में जा रहे हैं, और फिर हम यहाँ से इसके थ्रू थोड़ी सी एयर पास करेंगे ताकि फिर यहाँ पर स्ट्रेथ रखेंगे और सुनेंगे कि आवाज़ आती है कि नहीं, इस तरह यहाँ पर रख के स्ट्रेथ सुन लेंगे और फिर इसको फिक्स कर देंगे यहाँ पे। हाँ ऐसे करते हैं, और यहाँ से वैसे हम चेक करते हैं, यहाँ से चेक कर रहे हैं कि आ गई है इसी में, क्योंकि एसोफेगस स्टमक में जानी है। हाँ ये आ गई है यहाँ पे, ठीक है।